वालेकुम दोस्तों आज की है वो नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है लाहौर हाईकोर्ट ने पॉडिट हुकूमत पर बिजली गिरा दी रही सही कसर कप्तान ने निकाल दी कौमी असम्बली में कप्तान की चाल ने इम्पोर्टेट हुत को मुश्किल में डाल दिया इलेक्शन कमीशन इम्पोर्टेंट हुत और स्पीकर कौमी असम्बली को लेने के देने पड़ गए लाहौर हाईकोर्ट ने ऐसा क्या एक दाम किया कि की चीखे निकला दी ये हम आपको बताएंगे कौमी असम्बली में भी हुकूमत की मन मानिया खत्म हो गयी कौमी अम्बली में जारी नूरा कुश्ती भी खत्म होने के करीब आखिर अचानक इतनी बड़ी कौन सी तब्दीली आ गई है ये हम आपको इसी वीडियो में आगे चलकर बताएंगे लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे की इम्पोर्टेट हुकूमत और उनके हैंडलर्स की परेशानियों में इजाफा हो गया है अवामी मुस्लिम लीग के सरबराज शेख रशीद को मनाने के लिए अहम शख्सियात ने उनसे कर लिया है शेख रशीद ऐसी वाला कौन था और शेख रशीद ने उन्हें क्या जवाब दिया है ये भी आपको बताएंगे लेकिन इसके लिए आपको वीडियो आखिर तक देखना होगी चले शुरू करते हैं आज की वीडियो लेकिन वीडियो शुरू करने ऐसी पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल आरोप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक और शेयर भी करें जी तो दो दोस्तों कप्तान की असम्बली में वापसी के फैसले के फौरी बाद इम्पोर्टेड इम्पोर्टिटत स्पीकर कौमी असम्बली और इलेक्शन कमीशन की जानी ऐसी उजलत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रकी ने कौमी असम्बली के की मंजूरी के मामले आरोप हुकूमत को लेने के देने पड़ गए लाहौर हाईकोर्ट ने इंपॉर्ट हुत के इरादे खाक में मिला दिए लाहौर कोर्ट के फैसले ने कौमी असम्बली की सूर्त हाल भी बदलकर रख दी इलेक्शन कमीशन का मुतनाजा किरदार भी खुलकर सामने आ गया जिला के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तिरतालीस अर के उजलत में इस्तीफे इम्पोर्टिट हुकूमत के गले की हड्डी बन गए जरा के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के तिरतालीस अरकने कौमी असम्बली को डी नोटिफाई करने का इलेक्शन का हुक्मल कर दिया है जिला के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने पी टी आई एम एन ने रिया फतिहा समेत तिरतालीस सबिक अरकने कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाप्त के बाद हकूमती इतिहात आरोप बिजलियाँ गिरा दी हैं ज़राए के मुताबिक पी टी आई अरकान के वकील बैरिस्टर जफर अली ने मौका अख्तियार किया की कि अरकिन कौमी असेंबली के इस्तीफे मंजूर करने के लिए कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए दोस्तों जराये के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने किया कि अरकिन के इस्तीफे की मंजूरी के मामले आरोप किन कानूनी तकाजों को पूरा नहीं किया गया जिस पर बैरिस्टर अली जफर ने अदालत को बताया की स्पीकर कौमी असेंबली ने इस्तीफे मंजूर करने ऐसी कबल आइन के तहत इंक्वायरी नहीं की अरकान असम्बली इस्तीफा मंजूर कराने के लिए स्पीकर के पास पेश भी नहीं हुए अरकान को सुने बगैर स्पीकर इस्तीफे मंजूर नहीं किए जा सकते जिस पर अदालत ने तैतालीस अरान्बली को डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म मुतल कर दिया और तैतालीस हलकों में भी ताहाल सानी जिमनी जरा के मुताबिक अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया दोस्तों हम आपको ये भी बताते चले की चंद रोज कबल कप्तान की जानव ऐसी असम्बली में वापसी के ऐलान के फौरी बाद हुकूमत और उनके हैंडलर्स के कहने आरोप स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने अजरत में पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चौंतीस सराकीन कौमी अम्बली और सबक वजी दाखला शेख रशी के इस्तीफे मंजूर कर लिए जरा के मुताबिक इससे कबल स्पीकर कौमी असम्बली ने जुलाई दो हजार बाईस में भी पी टी आई के ग्यारह रकीने कौम असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए थे जरा के मुताबिक कराची ऐसी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रुकने असम्बली शकूर शाह ने अदालत में दरख्वास्त दायर करके अपने इस्तीफे की दरख्वास्त वापस ले ली थी दोस्तों आपको ये भी बताते चले की स्पीकर कौमी असम्बली ने बीस जनवरी को पी टी आई के मजीद पैंतीस सरकार इस्तीफे मंजूर किए थे थे के मुताबिक अब मजीद तैतालीस इस्तीफों की मंजूरी के बाद मजमू तरह आरोप पाकिस्तान तरीके इनाफ़ के एक सौ बारह और शेख रशीद का एक इस्तीफा मिलाकर एक सौ तेईस अरकिन के इस्तीफे मंजूर किया जा चुके हैं जराय के मुताबिक कौमी असम्बली में तरीके इंसाफ के अकीन कौमी असम्बली के इस्तीफों के बाद पी टी आई के नाराज अरकन आरोप मुश्तमिल ग्रुप के राजा रियाज को कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर बना दिया गया था जरा के मुताबिक कौमी असम्बली में अपोजिशन और दरमियान नूरा कुश्ती जारी थी को अपने बिल्स की मंजूरी के लिए किसी भी तरह की मुजामत का भी सामना नहीं करना पड़ता था जरा के मुताबिक की यही ख्वाहिशी की कौमी असम्बली ऐसी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए कवानीन में तब्दीली का सिलसिला जारी रहे लेकिन कप्तान के एक ऐलान ने सब मनसूबे खाक में मिला दिए जरा के मुताबिक कप्तान के एलान के फौरी बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर ही पाकिस्तान तरीके इंसाफ के रीने कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए दोस्तों हमारे जराये का कहना है की लाहौर हाईकोर्ट ऐसी फैसले के बाद हुकूमत काम मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ गया है पीटीआई यकीन कौमी असम्बली की वापसी ऐसी खलबली मच गई है जराय के मुताबिक अब कौमी असम्बली में फ्रेंडली अपोज़िशन नहीं चल सकेगीय के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट ऐसी फैसला आने के बाद पी टी आई ने कौम असम्बली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली का मुतालबा कर दिया है जरा के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनमा फवाद चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट की जानी ऐसी पी टी आई के तैतालीस सरकान असम्बली को डी नोटिफाई करने के फैसले आरोप हुआ रद अमल देते हुए कहा की स्पीकर कौम अम्बली थोड़ा सा का पास रखें और अपोजिशन लीडर तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी करें। हर बात के लिए अदालत जाना कोई अच्छी पार्लिमानी रिवायत नहीं दोस्तों जराये के मुताबिक पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने फैसला किया है की कि कौमी असम्बली में हुकूमत को खुल कर खेलने की इजाज़त नहीं देंगे और उनके अजय किसी सूरत पूरे नहीं होने देंगे जराये का कहना है की पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अरकन की मौजूदगी में हुमत अपनी मर्जी के कवानीन भी पास नहीं करवा सकेगीय के मुताबिक अब पी टी आई अरकान के कौमी असम्बली में वापसी का रास्ता हमवार हो गया है जिससे हकूमत की परेशानियाँ बढ़ गयी है दोस्तों हम आपको बताते हैं की सियासी बुनियादों आरोप मुखालफिन के खिलाफ बेहतरीन कार्रवाईओं में मुलविस ताकतों ने एक बार फिर शेख रशीद ऐसी रबा कर लिया है जरा के मुताबिक जुडिशल रिमांड आरोप जेल में बंद शेख रशीद ऐसी अहम शख्सियत ने रब्ता किया है राय के मुताबिक अहम शख्सियत के जरिए शेख रशीद को पैगाम पहुँचा दिया गया की वो कप्तान का साथ छोड़ करता हिस्सा बने लेकिन शेख रशीद ने इस बात ऐसी मुकम्मल तौर पर इंकार कर दिया है मुताबिक शेख रशीद को ताकत के जोर आरोप जब झुकाया नहीं जा सका तो दोबारा बैकडोर डिप्लोमेसी का आगाज कर दिया गया है जरा के मुताबिक गुजशतर रात इस्लामाबाद में अहम शख्सियत ने शेख रशीद ऐसी मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है शेख रशीद ने किसी से भी मुलाकात करने से इनकार कर दिया है जय के मुताबिक पैगाम लाने वाली शख्सियत को शेख रशीद ने वाजे तौर पर बताया की मैं सोलह बार वजीर रह चुका हूँ मेरी सियासी हमदर्दियाँ तब्दील नहीं करवाई जा सकती न मुझे इस तरह मजबूर किया जा सकता है जरा के मुताबिक शेख रशीद ने पुलिस एहलकारों आरोप भी वादे किया है कि पुलिस वाले मेरे भाई है मैं किसी भी दबाव में अपनी वफादारियाँ तब्दील नहीं करूंगा दोस्तों हमारे राय के मुताबिक शेख रशीद ने अपने दोनों मोबाइल फोन के पासवर्ड भी पुलिस को दे दिए हैं जबकि शेख रशीद को हिरासत में लेने वाले एलकारों ने उनके पैसे मोबाइल फोन और घड़िया भी निकाल ली जरा के मुताबिक मरी पुलिस ने भी शेख रशीद ऐसी घंटों तक तफ्तीश की है जराय के मुताबिक शेख रशीद के खिलाफ कार्रवाई करने वाले एलकारों का ताल्लुक इस्लामाबाद पुलिस था। जरा के मुताबिक शेख रशीद के खिलाफ राना स्नौला की मां पर कार्रवाई की जा रही है जबकि जरा के मुताबिक मरीलाज बेला या कराची पुलिस ने भी शेख रशीद के खिलाफ कार्रवाई की है जराय का कहना है की इस्लामाबाद में अहम शख्सियत ने शेख रशीद ऐसी मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है तहम शेख रशीद ने मुलाकात ऐसी साफ इनकार कर दिया है जराय का कहना है की हकूमत ने तकामी कार्रवाई के बाद अब अपोजिशन के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी का भी आगाज कर दिया है राय के मुताबिक बासार हल्कों की ख्वाहिश है की कप्तान के करीबी साथियों को उनकी हिमायत ऐसी पीछे हटने आरोप मजबूर किया जा सके जरा के मुताबिक शेख रशीद के इनकार के बाद एक बार फिर उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है दोस्तों जरा के मुताबिक मुस्लिम लीग के सरबराज शेख रशीद को रादारी रिमांड आरोप मरीज पुलिस के हवाले कर दिया गया है फफाकी पुलिस ने शेख रशीद को इस्लाम कचहरी में हथकड़ी लगाकर पेश किया अदालत ने फ्री कैन के दलाई सुनने के बाद पुलिस की दरख्वास्त मंजूर करते हुए शेख रशीद को एक दिन की राहदारी रिमांड आरोप मरी पुलिस के हवाले कर दिया है अदालत ने शेख रशीद को कल दो बजे मुतलका अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है